रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पूर्व जज का जिक्र कर चिदंबरम का हमला कहा, अगर कहता कि पीएम मोदी को पसंद नहीं करता तो शायद गिरफ्तार कर लेते। कैलासा से बाहर आया दुष्कर्म का आरोपी नित्यानंद, गंभीर बीमारी का नहीं मिला इलाज। पीएम मोदी ने शेयर किया शानदार वीडियो, लिखा गर्व की भावना को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यौन शोषण के आरोपी मुर्गा प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट, साईनाथ लौटाएंगे मठ से मिला पुरस्कार। बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात पर भड़के कुमार स्वामी, झील पर अतिक्रमण को लेकर सीएम पर निशाना। असम में उल्फा से जुड़े ठिकानों पर एनआईए का ताबड़तोड़ छापा, गोला बारूद समेत आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। अंडमान निकोबार के करीब भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सीबीआई की टेट मामले की जांच करेगी प्राथमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर छापेमारी। अल्पसंख्यक दर्जा स्टेट नहीं, नेशनल लेवल पर हो कैप्टन ने पीएम को लेटर भेज चेताया। पंजाब में सिखों को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन। फरवरी से अशोक चावड़ा की सीक्रेट मीटिंग, कांग्रेस से नाराज 10 विधायक, टूटने की अटकलें तेज। मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत, जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल, पार्टी के एनडीए गठबंधन छोड़ने के फैसले से नाराज हैं। झारखंड में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित 9 पर जबरन एटीसी रूम में घुसने का आरोप, केस दर्ज। सीजेआई यूवी ललित फास्ट ट्रैक तरीके से निपटा रहे केस, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 दिनों में करीब 1300 मामलों का निपटारा किया। संस्कृत राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा आप एक लाइन ही सुना दे, पब्लिसिटी याचिका बताकर खारिज की। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, 8 को विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित इस एवेन्यू को पीएम मोदी जनता को समर्पित करेंगे। बियर की केन में दे रहे हैं पेट्रोल, आगरा के पंप पर कर्मचारी दे रहे बोतलों में पेट्रोल, प्रशासन ने लिया संज्ञान। गोरखपुर में मासूम को चबूतरों पर पटक कर मार डाला, बाथरूम दरवाजा न खोलने पर चचेरी बहन का के साथ हुआ था विवाद। गोंडा में छूटा मवेशियों के आतंक से किसान परेशान, शहर में सड़कों पर घूम रहे पशु, जिम्मेदार मौन। बदायूं में चोरों ने प्रोफेसर का घर खंगाला, ताले तोड़कर भीतर दाखिल हुए, 47,000 कैश समेत जेवरात लेकर हुए फरार।
सरकारी स्कूल में बच्चों से गोबर साफ कराने का वीडियो वायरल, स्कूल के पास नहीं है सफाई के लिए स्टाफ। हो रहा है दाह संस्कार। नंदी जिला स्तर की समीक्षा बैठक करेंगे, गौशाला स्कूल और गांवों का करेंगे निरीक्षण। चंबल की सरगना सल्ला 17 साल बाद जेल से रिहा, 6 किसानों का किया था सामूहिक अपहरण, ब्रांडेड कपड़ों चश्मों का था शौक। अलीगढ़ में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवतियों की जा रही चिन्हित। बदायूं की जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा, वादी की याचिका पर सिविल कोर्ट ने जज ने वाद दायर करने की दी अनुमति। कोल्डिंग एजेंसी पर लूट की सूचना निकली झूठी, फायरिंग 75,000 लूटने का मचाया था हल्ला, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। पत्नी ने 76 साल के पति को काट डाला, अम्बेडकर नगर में रिटायर्ड टीचर बहू को पेंशन देता था, बीवी ने जान को लेकर खुद जहर खाया। औरैया में अनियंत्रित होकर खड्डे में गिरा ट्रैक्टर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, नया ट्रैक्टर खरीद कर ले जा रहे थे घर। गोंडा में चीनी की जगह एथेनॉल बनाएगी मैजापुर मिल, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा उत्पाद। मौत पर लगाए जाम, नाले पर अवैध निर्माण के कारण दुकानों में भी गया था बारिश का पानी। उन्नाव में लंपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बॉर्डर सीमाओं पर वाहनों की होगी चेकिंग, पशु बाजार किया गया बंद। ललितपुर में युवक को दौड़ाकर लाठियों से पीटा, निजी स्कूल प्रबंधक के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर किया हमला। उन्नाव में गणेश महोत्सव में चले पत्थर, महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल, मारपीट करने वाले युवक फरार। चित्रकूट मंदाकिनी नदी में जुआरी का मिला शव, पुलिस से बचकर कूदा था मंदाकिनी नदी में, दूसरे दिन मिला शव। चंदौली में प्रतिमा विसर्जन के समय बवाल, दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, 6 महिलाओं समेत कई लोग घायल। मथुरा कतेशाता में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2010 में 51 किलो चांदी लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल से भागा था। हरदोई में लैला से मिलने पहुंचे मजनू पर चले चप्पल जूते, लोगों ने गांव आने की पूछी वजह, फिर दी जूतों की बरसात। जौनपुर में डिप्टी सीएम के जाते ही भाजपा नेताओं में चले लात, घूसे हाथ मरोड़कर जमीन पर पटका, सीढ़ी उठाकर मारने दौड़े। बरेली में बर्थडे में डांस करते युवक को आए हार्ट अटैक, मौत, दोस्तों की फरमाइश पर पार्टी में कर रहा था डांस, अचानक गिर पड़ा। कानपुर में इलाज नहीं करने पर टोका तो पीटने लगे जूनियर डॉक्टर, हेलमेट में फिर तीरंदाजों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप।
पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन, बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी थे, आगरा में अपने आवास पर लिया आखिरी सांस। सहारनपुर डेट कॉर्पोरेट बने नेशनल और स्टेट हाईवे, 13 दिनों में हुए 3 भीषण हादसे, 16 लोगों की हुई मौत। युवक ने कार की बोनट पर बैठकर की फायरिंग, आगरा में बना रहा था जन्मदिन, एसएसपी ने दिया गिरफ्तारी के आदेश। गाजियाबाद में लुटेरा बोला माफ कर दो योगी जी, गैस गोदाम का कैश लूटने वाला एनकाउंटर में घायल, लगनाते हुए सीएम से मांगी माफी। बाराबंकी में बस हादसा, 4 यात्रियों की मौत, टायर पंचर होने पर हाईवे पर खड़ी करके ठीक कर रहा था, पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में आयोग में तैनात पीआरडी कर्मचारी गिरफ्तार, पत्नी को हल प्रश्न पत्र देकर कराया चयनित। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, 150 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, एक को बचाया, 2 की तलाश जारी। उत्तराखंड के राज्य में निवेश को रफ्तार देने वाले उद्यमियों में सीएम धामी करेंगे सम्मानित, 6 को सम्मान समारोह। वायरल हो रही नियुक्ति की खबर, उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री पर अपने 8 रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप। उत्तराखंड विधानसभा में 231 विवादित नियुक्तियों पर लटकी तलवार, जांच के आदेश दे सकती है स्पीकर रितु खंडूडी। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। उत्तराखंड में पीएनबी के ब्रांच मैनेजर समेत 4 पर किया मुकदमा दर्ज, बंधक जमीन को धोखाधड़ी से बेचने का मामला। मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी, सीएम की घोषणा, फिल्म के माध्यम से युवाओं तक पहुंचेगा आंदोलनकारियों का बलिदान। हरिद्वार के गंगा तट पर मालाओं से शासार्थ करेंगे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानाथ, दिसंबर में होगा आयोजन। उत्तराखंड कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, देहरादून में यात्रा प्रभारी ने लिया तैयारियों का जायजा, बनाए जिला कोर कोऑर्डिनेटर। इसमें नियुक्ति भर्ती को लेकर हरीश रावत की पुकार, स्पीकर सीएम और नेता प्रतिपक्ष निकाले रास्ता। पुलिस की पकड़ से दूर यूट्यूबर बॉबी कटारिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जल्द संपत्ति होगी कुर्क। उत्तराखंड के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में जुआ खेलते 9 जुआरी गिरफ्तार, 30,000 से भी ज्यादा रकम के बरामद। उत्तराखंड में पंतनगर कृषि विधान की कराई गई भर्ती परीक्षाओं में भी घोटाले का शक, आ सकती है जांच के दायरे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा अब अचानक कैसे उमड़ आया कांग्रेस का सीबीआई प्रेम। मिस्र ने मम्मी का राज बताने वाले पत्थर वापस मांगा, 222 साल पहले रोस्टरा स्टोन में अंग्रेज ले गए थे, इसका वजन 760 किलोग्राम।
हमारी नस्ल के हत्यारे, एक सप्ताह में भारतीयों का तीसरा नस्लवादी हमला, पोलैंड से सामने आया वीडियो। ओम बिरला ने मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा भौगोलिक बाधाओं और समय से परे है उनकी शिक्षा। चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा ताइवान, अमेरिका ने 1.1 बिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की बिक्री को दी मंजूरी। अफगानिस्तान पर भी पड़ेगा पाकिस्तान के भीषण बाढ़ का असर, खाद्य आपूर्ति पर मंडरा सकता है खतरा, यूएन ने जताई चिंता। श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से निकाला गया, जन आंदोलन के बाद छोड़ा था देश। अमेरिका से तनाव के बीच एकजुट हो रही पुतिन और जिनपिंग की सेनाएं, साथ होंगे 50,000 सैनिक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। अमेरिका की तरफ ब्रिटिश संसद भी उपद्रव, अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, एक्शन में पुलिस। भारत में फेल हुए मुसलमान, पाकिस्तानी में कायम करेंगे इस्लामिक सरकार, टीटीएफ चीफ की खुली धमकी। कोलंबिया में सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे घातक विस्फोट हमला, 8 पुलिस अधिकारियों को मौत। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, ब्रिटेन के एक पायदान फिसल कर छठे स्थान पर पहुंचा। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, इस हफ्ते 650 रुपए सस्ता होकर सोना 51,000 के नीचे आया। नोकिया ने लॉन्च किया 2,660 फ्लिप फोन, मिलेगी डुअल स्क्रीन और 4G कनेक्टिविटी। घंटे काम करो बयान पर शांतनु देशपांडे की माफी, बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ ने दी सफाई। crypto.com की बड़ी मिस्टेक, कंपनी ने गलती से महिला के अकाउंट में 5,430 रुपए की जगह भेजे 58 करोड़। स्टारबक्स के नए सीईओ के अनाउंसमेंट, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन बने स्टारबक्स के नए सीईओ। मोबाइल ऐप से लोन देने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, आरबीआई ने जारी किया दिशा निर्देश। भारत का विदेशी कर्ज 8.2% बढ़कर हुआ 620.7 अरब डॉलर, घटकर 561 अरब डॉलर पर आया विदेशी मुद्रा भंडार। ग्रेस्केल के फाउंडर को बिटकॉइन के $1,00,000 पर पहुंचने का इंतजार, क्रिप्टो मार्केट में गिरावट लंबी अवधि तक रह सकती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी कोविड पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती। फेफड़े को मजबूत बनाने का विराट फॉर्मूला, पाकिस्तान से मैच के पहले हाई एल्टीट्यूड मास्क लगाकर दौड़े। बल के पंजे से कंगारू चेक, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलियाई को उसके घर में पहली बार हराया, 9 बैटर दहाई तक नहीं पहुंचे।
सेरेना विलियम्स ने लिया संन्यास, विदाई लेते हुए कहा मैं बनने और सेरेना के डिफरेंट वर्जन को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार। एशिया कप 2022 में बांग्लादेश की हार पर इमोशनल हुए शाकिब अल हसन का, हमारी टीम को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से खेलना चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेड कोच टॉम मूडी को कहा थैंक यू, अब ब्रायन लारा संभालेंगे जिम्मेदारी। एशिया कप के सुपर चार मुकाबलों का पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान को लगातार पांचवीं बार हराने उतरेगी टीम इंडिया। चार सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच तय, हांगकांग 38 रन पर ऑल आउट, पाक ने 155 रन से हराया, शादाब खान ने छटके चार विकेट। रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर, घुटनों की चोट के चलते टूर्नामेंट से हटे, अक्षर पटेल को मौका। इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, जॉनी बेस्टो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, सुबह हुए थे टीम में शामिल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चुनाव रिजल्ट, प्रफुल्ल पटेल की जगह भाजपा नेता कल्याण चौबे बने नए प्रेसिडेंट, बाउंचुइंग भूटिया हारे। ब्रह्मास का मेगा प्रमोशन इवेंट हुआ कैंसिल, फेवरेट स्टार्स को न मिले पानी से फैंस हुए उदास, बोले मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशन माफी मांगी। सलमान खान के शो में नजर आ सकती है नुसरत, बिग बॉस 16 में मेकर्स ने दिया अप्रोच। ब्रह्मास में दिखी शाहरुख खान की पहली झलक, वॉर्नर अस्त्र बंद, बुरी चक्कियों का करेंगे खात्मा। संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट है हीरा मंडी सीरीज के दूसरे गाने की शूटिंग जल्द होगी शुरू। ब्रह्मास रिलीज से पहले चाहे मौनी राय का डांस वीडियो, सेन्योरिटा गाने पर किए बेहतरीन डांस मूव्स। शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से किया गणेश विसर्जन, पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद बहन शमिता के साथ जमकर किया डांस। सारा अली खान ने घर पर किया वर्कआउट, वीडियो शेयर कर फैंस को फिट रहने के लिए इंस्पायर किया। पार्टी करते नजर आई खुशी कपूर, न्यासा देवगन दोस्तों के साथ क्लब के बाहर हुई स्पॉट। टाइगर के लिए विजय देवर कोंडा ने की थी जोड़ तोड़ के मेहनत, फैंस तारीफ में बोले वो एक अच्छी फिल्म डिजर्व करते थे। तमिल सिंगर बम्बा बाक्या का निधन, 49 साल की उम्र में मिली अंतिम सांस, पोनियर सेल्विन में गाया आखिरी गाना।